काचेवाड़ा चेलीपुरा कालिका माता मंदिर इथून आहे। मी स्वतः पेशंट आहे कारण 8 दिवसापासून मला वोमिटिंग आणि मळमळ आणि पोटदुखीचा त्रास आहे। आता त्याच्यानंतर पुन्हा पाणी चालले जातं, शेवटच्या 10 मिनिटात पाणी होणार का आमचं? अगर हम लोग सब टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, फिर ये तकलीफ हमारे को क्यों? 2 साल से हमने क्या गुनाह किया कि हम औरंगाबादवासी नहीं है? काचीवाड़ा चेलीपुरा औरंगाबाद ये गली में 1.5-2 साल से पानी ऐसा गंदा आ रहा, हमको तकलीफ बहुत हो रही। और ये पानी पीने से संडास ये हो रही, बच्चों को संडास, सबको संडास, बीमार पड़ रहे। एक नाम बोलो। श्रद्धा कुचलकुंटे, काचीवाड़ा चेलीपुरा कालिका माता मंदिर। इथं पद्मेसाहेब येऊन पाहून गेले, 1.5-2 वर्षापासून आम्हाला हे त्रास आहे। हे पाणी तुम्हाला आता सध्या इथं दिसत आहे। आता अर्धा तास झाला आम्ही पाणी कसं भरायचं, पूर्ण पाणी तेच येते। अर्धा तास गढूळ पाणी येतं, त्याच्यानंतर पुन्हा पाणी चाललं जातं। शेवटच्या 10 मिनिटात पाणी होणार का आमचं? आता बघा, तुम्हीच लक्ष द्या। आता मिला सुधावन चेलीपुरा काचीवाड़ा कालिका माता मंदिर। साहेब येऊन गेले, येऊन 8 दिवस झाले साहेबांना, अजून पाण्याचा त्यांनी एक भी प्रस्ताव मांडलेला नाही, एक सुद्धा कामगार आलेला नाही आहे। आम्हाला 8 दिवसाशिवाय पाणी येत नाही प्यायला। बरं आलं बी तर लिहिले 1/2 घंटा पाणी येतं, ते बी असं घाण पाणी येतं, बघा तुम्ही स्वतः पिऊन बघा। अजिबात तुम्हाला माणसाची काळजी नाही, फक्त तुम्हाला मतदानाच्या टायमाला काळजी आहे। ज्यावेळेला तुम्हाला व्होटिंग करायची त्या टायमाला तुम्ही पाय धरतात, ज्यावेळेला माणसाला थकली त्या टायमाला कोणी सुद्धा येत नाही, याची काळजी घ्या। एक काचेवाड़ा चेलीपुरा कालिका माता मंदिर इथून आहे। मी स्वतः पेशंट आहे कारण 8 दिवसापासून मला वोमिटिंग आणि मळमळ आणि पोटदुखीचा त्रास आहे। दवाखान्यात गेले तर डॉक्टर म्हणाले की पाण्याचा त्रास आहे तुम्हाला, याकडे काय आता मनपानी लक्ष द्यावे की? बार बार विचारून सुद्धा त्यांनी काही आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही। 2 वर्षापासून आम्ही हा त्रास सहन करत आहोत। नाम बोलो। मैं बिरजू पहाड़िया हूँ, काचीवाड़ा चेलीपुरा माता मंदिर के पास। ये 2 साल से ऐसा ही पानी आ रहा है। 2 साल से शुरू में 15-20 मिनट ऐसा पानी आता था, पर 1 महीने से अभी कंटिन्यू जो 1.5 घंटा पानी आता है वो पूरा ऐसा ही ड्रेनेज का पानी आ रहा है। और एक तो पानी का फ्लो भी कम है, शुरू के 5-10 मिनट पानी आता और आखिरी के 10 मिनट पानी आता है, और शुरू से लेकर आखिर तक ड्रेनेज का पानी आ रहा है। कॉलोनी में बच्चे से लेके बड़े सब बीमार पड़ रहे हैं। 4-5 पेशेंट दवाखाना जाके आए, एक एडमिट हुआ, एक बच्चे के तो किडनी का प्रॉब्लम हुआ। ये बच्चा देखो, इसको पानी के प्रॉब्लम से किडनी का प्रॉब्लम हो गया है। और अभी 2-4 दिन पहले पद्मे साहब यहाँ खुद आकर देख कर गए, इंक्वायरी करके गए, मगर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर हम लोग सब टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, फिर ये तकलीफ हमारे को क्यों? 2 साल से हमने क्या गुनाह किया कि हम औरंगाबादवासी नहीं है? तो प्रशासन ने हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए।